हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 11 इतिहास का फुल सॉल्यूशन। दोस्तों, इससे पिछले की वीडियो में मैंने क्लास 6 से लेकर 12 तक के हर सब्जेक्ट की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। अगर आपने अभी तक वो सारे वीडियोज के सोल्यूशन नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर वो वीडियो देख लें। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। इसमें आपका पूर्णांक 20 नंबर का मिलेगा। परीक्षार्थियों के लिए पढ़ने के लिए यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए हैं, तो इन निर्देशों को पढ़ लीजिए। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ, प्राचीन मेसोपोटामिया प्रदेश किन किन नदियों के बीच स्थित था। पहला ऑप्शन दिया हुआ है फरात व दजला, नील कांगो। तीसरा दिया हुआ है वोल्गा टेम्स। चौथा दिया हुआ गंगा यमुना। क्वेश्चन नंबर पहले का आर नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, फरात व दजला। इसको नोट कर लीजिए कॉपी में अपनी। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, उत्तरी मेसोपोटामिया के मैदानों में खेती की शुरुआत कब से मानी जाती है। 2000 से 1000 ईस्वी पूर्व, 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व, 1000 से 900 ईस्वी पूर्व, 1500 से 1400 ईस्वी पूर्व। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का बार नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व। इसको नोट कर लीजिए कॉपी में अपनी। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है, सिकंदरिया के टॉलेसी की पुस्तक का क्या नाम था। इतिहास, विधि, व्यापार, भूगोल। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का द नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, भूगोल। इसे नोट करिए कॉपी में अपनी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया हुआ है, क्लियोपेट्रा कौन थी। मिस्र की रानी, रोम की रानी, कुस्तुनतुनिया की रानी, इराक की रानी। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का आर नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मिस्र की रानी। इसको भी आप नोट कर लीजिए कॉपी में अपनी। क्वेश्चन नंबर पाँचवा दिया हुआ है, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ। लगभग 740 ईस्वी पूर्व, लगभग 670 ईस्वी पूर्व, लगभग 550 ईस्वी पूर्व, लगभग 570 ईस्वी पूर्व। तो क्वेश्चन नंबर पाँचवें का आर नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, लगभग 570 ईस्वी पूर्व। इसको नोट कर लीजिए कॉपी में अपनी। क्वेश्चन नंबर छठा दिया हुआ है, पैगंबर मोहम्मद व उनके साथी मक्का छोड़कर कब मदीना गए थे। पहला दिया हुआ ऑप्शन 670 ईस्वी पूर्व, 570 ईस्वी पूर्व, 622 ईस्वी पूर्व, 722 ईस्वी पूर्व। तो क्वेश्चन नंबर छठे का सा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 622 ईस्वी पूर्व। इसको भी आप नोट कर लीजिए कॉपी में अपनी। क्वेश्चन नंबर सातवां दिया हुआ है, फारसी कविता का जनक किसे माना जाता है। गजली, अल बिरूनी, रुदकी, नसरुद्दीन। तो क्वेश्चन नंबर सातवें का बार नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अल बिरूनी। इसको नोट कर लीजिए 8400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फ़ोन पे डाउट का 8400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चार्ट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की, आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT-JEE, NEET, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है जी कॉपी में अपनी। दोस्तों, अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nityastudypoint.com, तो वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर पाएंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर आठवां दिया हुआ है, मेसोपोटामिया में लेखन कला की शुरुआत कब से हुई। लगभग 1500 ईस्वी पूर्व, लगभग 6000 ईस्वी पूर्व, लगभग 3200 ईस्वी पूर्व, लगभग 4200 ईस्वी पूर्व। तो क्वेश्चन नंबर आठ का सा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, लगभग 3200 ईस्वी पूर्व। इसको आप नोट करिए कॉपी में अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, टीला कारलिपि का विकास कब से माना गया है। लगभग 1000 ईस्वी पूर्व, लगभग 1600 ईस्वी पूर्व, लगभग 2000 ईस्वी पूर्व, लगभग 2600 ईस्वी पूर्व। तो क्वेश्चन नंबर नौवें का बार नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, लगभग 1600 ईस्वी पूर्व। इसको नोट कर लीजिए कॉपी में अपनी। क्वेश्चन नंबर दसवां दिया हुआ है, कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना किसने की। कमाल पासा, कॉन्स्टेंटाइन, सिकंदर, अब्दुल हमीद। तो क्वेश्चन नंबर दसवें का बार नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कॉन्स्टेंटाइन। इसको नोट कर लीजिए कॉपी में अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 11, रोमन साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे। तूतेन, खामेन, फिरौन, अगस्टस, अखेनातेन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अगस्टस। इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, अगस्टस। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की PDF मिल जाएंगी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है,
पैगंबर मोहम्मद ने कब अपने आप को खुदा का संदेश वाग घोषित किया? 570 ईस्वी पूर्व, 622 ईस्वी पूर्व। यहाँ पर दिया है दोस्तों 570 ईस्वी पूर्व, 622 ईस्वी पूर्व, 670 ईस्वी पूर्व, 612 ईस्वी पूर्व। तो क्वेश्चन नंबर 12 का द नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 612 ईस्वी पूर्व। इसको नोट करिए कॉपी में अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पैगंबर मोहम्मद का देहांत कब हुआ? 632 में, 570 ईस्वी पूर्व में, 612 ईस्वी पूर्व में, 622 ईस्वी पूर्व में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 632 ईस्वी पूर्व। इसको भी आप नोट कर लीजिए कॉपी में अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मंगालों ने बगदाद पर कब्जा कब किया? 1258 में, 1158 में, 1058 में, 1958 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 1258 ईस्वी में। इसको नोट करिए कॉपी में अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा पैगंबर मोहम्मद का प्रथम राष्ट्रीय उद्घाटन सार्वजनिक उपदेश कब दिया? 622 ईस्वी पूर्व में, 650 ईस्वी पूर्व में, 570 ईस्वी पूर्व में, 612 ईस्वी पूर्व में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का द नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 612 ईस्वी पूर्व में। इसे नोट करिए कॉपी में अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा सिकंदर ने बेबीलोन पर कब विजय प्राप्त की? 300 ईस्वी पूर्व, 312 ईस्वी पूर्व, 315 ईस्वी पूर्व, 321 ईस्वी पूर्व। तो क्वेश्चन नंबर 16 का बार नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 312 ईस्वी पूर्व। इसे भी आप नोट कर लीजिए कॉपी में अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा मेसोपोटामिया में लोहे का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? लगभग 500 ईस्वी पूर्व, लगभग 1500 ईस्वी पूर्व, लगभग 1000 ईस्वी पूर्व, लगभग 2000 ईस्वी पूर्व। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा लगभग 1000 ईस्वी पूर्व। इसे भी आप नोट करिए कॉपी में अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दीनारियस था रोम का एक सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, तांबे का सिक्का, कांसे का सिक्का। क्वेश्चन नंबर 18 का नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा सोने का सिक्का। इसे भी आप जल्दी से नोट कर लीजिए कॉपी में अपनी। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है ईरान से ससानी वंश की स्थापना कब हुई? 224 ईस्वी पूर्व, 200 ईस्वी पूर्व, 124 ईस्वी पूर्व, 324 ईस्वी पूर्व। तो क्वेश्चन नंबर 19 का नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 224 ईस्वी पूर्व। इसे भी आप नोट करिए जल्दी से कॉपी में अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा पैगंबर मोहम्मद की शादी किससे हुई? रजिया, खदीजा, राबिया, साहिब। क्वेश्चन नंबर 20 का बार नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा खदीजा। इसे नोट करिए कॉपी में अपनी। तो दोस्तों ये थे प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों के उत्तर। दोस्तों अगर आप और सब्जेक्ट का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है, जिससे हम कोई नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी। तो इसलिए आपको चैनल पर बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।